नमस्कार बंधु, मैं आज आप लोगों को हिंदी के उपयोग और हिंदी की बोलचाल की भाषा लिखने पढ़ने कार्यालय आदि में क्या स्तर है इसके बारे में जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हम हिंदी दिवस मनाते हैं, पखवाड़ा मनाते हैं, फिर भी अगर हिंदी दिवस में देखने जाते हैं फिर भी मन भरता नहीं है, लगता है कुछ अधूरा रह गया है। हिंदी तो हमें सालों साल नित्य दिन अपने काम धाम में, अपने दिनचर्या में, लिखने पढ़ने में, कार्यालय में, सब जगह हिंदी का ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्या मजबूरी है, हिंदी दिवस मना लेते हैं लेकिन अपने जीवन शैली में, अपने रोजगार में उसे नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस हिंदी मातृभाषा में हमें पूरा हिंदुस्तान को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 1950 के संविधान में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, लेकिन हमारे विभिन्न राज्य के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय भाषा रहने के कारण एक साथ उसे उपयोग नहीं कर पा सकते थे, लागू नहीं हो पाता था, इसलिए ऐसा रखा गया कि धीरे धीरे हिंदी हर एक क्षेत्र में जाएगा और हर एक क्षेत्र की जो वहां की क्षेत्रीय भाषा है उसके शब्द हैं वो भी हिंदी में आ जाएगा। मिला जुला करके हिंदी एक विशाल भाषा का शब्द समूह बन जाएगा जिसमें हर एक क्षेत्र का शब्द रहेगा, लेकिन हुआ नहीं। अभी इतना राष्ट्र अपना क्षेत्रीय भाषा यूज कर पा रहे हैं ना राष्ट्र की भाषा उपयोग कर पा रहे हैं। हम अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी जो कुछ बहुत जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, रिलेटिव बेटर जानता है, उसी को अपने जीवन यापन उसके कमाई का जरिया है, नौकरी उसी को मिलता है जो अंग्रेजी जानता है। हिंदी वाले अपने को धीरे धीरे हीन भावना से ग्रसित पाते हैं। कुछ है भी जो हीन भावना से ग्रसित नहीं है लेकिन उसे अवसर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग सारे अंग्रेजी अच्छा जानते हैं? हम तो देखते हैं कि किसी भी ऑफिस में अथवा किसी भी कागज पर लिखने में, बोलने में हिंदी कोई अंग्रेजी कोई अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं, और वही हाल हिंदी से भी है। हिंदी में भी हिंदी भाषी लोग ही हिंदी अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उसका अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है। किन्हीं का भोजपुरी है तो किन्हीं का मगही है, किन्हीं का मैथिली है तो किन्हीं का मगही है और अवधी है। इस तरह से अनेकों भाषाएं हैं हिंदी में भी जो शुद्ध हिंदी भाषा का रूप नहीं ले पा रहा है। अब न हम क्षेत्रीय भाषा यूज कर पा रहे हैं न राष्ट्रीय भाषा यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी जानते ही नहीं। बहुत सारे शब्द में, वाक्य में, हर्षिकार दुरुकार में गलती होने का बहुत सारा अंदेशा रहता है, इसीलिए लोग हिंदी नहीं जानने के कारण अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बहाना मिल जाता है कि हम तो हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी भाषी तो है नहीं, गलती तो हो सकती है, और न अंग्रेजी जानते हैं न हिंदी जानते हैं। हिंदी
नहीं जानने के कारण और अंग्रेजी भी नहीं जानने के कारण अंग्रेजी का ही ज्यादा उपयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी भाषी करीब करीब भारत में 41% लोग हैं जो हिंदी भाषी माने हिंदी जानते हैं, बाकी भी बहुत तेजी से सीख रहे हैं, जान रहे हैं। हिंदी पढ़ने में विदेश के भी, चीन के छात्रों भी अपनी रुचि दिखाई है और हम देश विदेश में भी, हम मंगोलिया में गए तो वहां के बहुत सारे लोग बनारस में हिंदी में ट्रेनिंग लिए और वहां सबको मंगोलिया भाषा और हिंदी भाषा का ट्रांसलेटर के रूप में एक तरह से उनका नौकरी था। अब वो लोग सीख सकते हैं, हम द्विभाषीय क्यों नहीं बन सकते हैं, हिंदी का वहां इस्तेमाल दूसरे जगह कर सकते हैं। कोई ऐसा दूसरा बहुत सारा देश है, चाइना है, रशिया है, अपने भाषा में उसका रिसर्च है, उसका सारा कार्य सब अपनी भाषा में है, रशिया में, चाइना में, उसी तरह आपको अपना अपनी हिंदी भाषा में करना चाहिए। ये कहना था कि इंटरनेट पर अंग्रेजी की तुलना में 5 गुना हिंदी बढ़ गया है। वो तो अच्छा है कंटेंट बढ़ना, परंतु हम लोग जो उसमें टाइप करते हैं, लिखते हैं, रोमन में करते हैं और एप्लीकेशन गूगल का हो, मूषक का हो, वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है। इस तरह से हम हिंदी लिखना ही करीब करीब ऐसा तो भूल जाएगा देवनागरी में, तो देवनागरी में राष्ट्रभाषा जो है देवनागरी यूज करना है। अंग्रेजी में हिंदी नहीं लिख सकते हैं, दूसरा भाषा में हिंदी नहीं लिख सकते हैं, हिंदी तो हिंदी में देवनागरी में लिखना है और इसी का हमें प्रयोग भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। लोग कहते हैं बहुत शुद्ध हिंदी बोले, कॉम्प्लिकेटेड हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितने सारे भाषा है सबके शब्द अगर इसमें समाहित हो जाए और हिंदी में सोचे, हिंदी में काम करें तो हिंदी का अच्छा प्रभाव हो सकता है आचार विचार और काम। नीचे स्तर के अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। ये भ्रांति के विरोध के बावजूद भी हिंदी बढ़ती जा रही है। ये भ्रांति है क्या और विरोध है क्या? ऐसा तो भ्रांति विरोध तो कुछ है नहीं, लेकिन लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी का ही बोलबाला होना चाहिए। यहां तक कि अंग्रेजी भाषी कुछ राज्य जो हिंदी नहीं जानते हैं वो तो हमें लोग मिलते हैं तो ज्यादा ही अच्छा तरह से हिंदी बोलते हैं। तमिल के लोग इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं कि हम लोग उत्तर भारत के लोग ही उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तेलुगु के लोग थोड़ा कुछ कमी हो सकता है लेकिन वो सारे लोग हिंदी बोल लेते हैं। पता नहीं 70 साल हो गया आजादी का, अभी भी हम लोग हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसका भाषण दे रहे थे, अध्यक्षीय भाषण जब दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन लागू के समय, तो उन्होंने कहा था कि हमें दुख है, दो बातों का दुख है। एक बात तो यही दुख है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में नहीं बना पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लिश में बना है, इंग्लिश विचार से बना है, हिंदी विचार से नहीं बना है। ट्रांसलेट तो हिंदी में कर लिया गया लेकिन वो भाव नहीं है जो हिंदी में होना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद हिंदी के लिए, प्रचार के लिए शुरू से ही लगे रहे। उन्होंने पहले हिंदी नहीं, फारसी पढ़ाया जाता था लोगों को, अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी पढ़ा, हिंदी में बीए किया और अथक प्रयास किया सब जगह हिंदी का। और हिंदी का जब राष्ट्रभाषा बना सब लोग के साथ उन्हें भी अपार खुशी हुई। चाहते थे कि भारत में जल्दी हिंदी लोग सीख जाएं
और उस पर अमल करें, दबाव न डालें। लेकिन अभी तक नहीं सीख पाए हैं, अब लगता है भूल ही गए। अब हम लोग दिवस मना रहे हैं, हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं। अभी हाल में ही हम लोग 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं और उस विश्व हिंदी दिवस में हम लोग जाएंगे और एक दिन कहेंगे ये विश्व में हमें हिंदी दिवस मना रहे हैं हिंदी के प्रयास प्रचार प्रसार के लिए, और ये जरूरी हो गया है। हो सकता है यही एक दिन का दिवस पखवाड़ा महीना क्या, अगर सरकार इस पर ध्यान दे दे तो हम सालों साल सारे राज्य के लोग हिंदी में बोलें, हिंदी में काम करें और हिंदी में नौकरी का अवसर पूरा मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जहां गए हिंदी में ही भाषण देते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, सब लोग समझ जाते हैं। लेकिन आज हमारे कोई भी ऑफिसर बात करते हैं, टीवी चैनल बात करता है, अंग्रेजी में बात करता है, कितना दुख की बात है, बहुत कम लोग समझते हैं। अब सब लोग समझे नहीं तो जिनके लिए बात किया गया, तो अब जब समझेंगे ही नहीं तो क्या फायदा है। तो हम तो कहते हैं अपने कविता में ही कि चलो अब हिंदी में ही प्रहार करें, हिंदी में आहार करें, व्यवहार करें, विहार करें, प्रसार करें, चलो हिंदी में प्रहार करें। दिवस पक्ष तो बहुत मनाए, अब महीना सालों त्योहार करें, और चलो हिंदी में प्रहार करें। भारत भूमि शुभ संस्कृत भाषा, मग ही मूल अनमोल है, और दोनों मिल बनी राजभाषा, हिंदी भारत की बोल है। रूस फ्रांस इंग्लैंड अमेरिका वा जर्मनी और चीन, सबकी अपनी अपनी भाषा, जग शक्ति है बेहतरीन। बनु महाशक्ति पूर्वज थे, शिव गुरु बड़ बोला बात करें, कैसा गुरुपन कहाँ की शक्ति, स्वभाषा का ज्ञान नहीं, साल भर के कुछ दिन कभी बैठ कहीं विलाप करें, लालत है हम भारतवासी देखा देखी ही काम करें, अपनों से अपना ना बोले विदेशी जैसा प्रगान करें, हिंदू हिंदू बहुत बहा चलो हिंदी में प्रहार करें। दिशाहीन पीढ़ी आजाद पहला अब गुजरने वाला है, घर बाहर परेशानी जिंदगी आतंक ने डेरा डाला है, अब तो उठो कहो भारत माँ हिंदी में प्रहार करें, तोड़ कमर आतंकी दुश्मन पर गाढ़ तिरंगा राज करें, घर बाहर दफ्तर कचहरी हिंदी का सम्मान करें, बोले सुने पढ़े लिखे हिंदी में हिंदी हर काम करें, चलो हिंदी में प्रहार करें। बरसों बरस फारसी उर्दू अंग्रेजी का कोड़ा खाए हो, वंचित लिखने बोलने से ही हिंदी सीख न पाए हो, अब तो सब अंकल अंटी है जैसे सब जल में माटी, मिस्टर मैडम सिस्टर बोल करे नेट पर चिटचाटी, CA PA डॉक्टर टीचर बोलने की बस परिपाटी, इंडिया शब्द कहां से आया, खोजी को बैठाना होगा, भारत माँ की आत्मा को भारत कहकर जगाना होगा, अब राम धनुष मिसाइल लेकर शंकर के हर बम त्रिशूल उठा चक्र कृष्ण सुदर्शन अर्जुन गांधी झंकार करें, हनुमान की गदा कटारी काली दुर्गा बारंबार करें, अनुवर्ती के अनुव्रत ऋषि तप योग जय हिंद करें, बोले सुने पढ़े लिखे हिंदी में दफ्तर का काम करें, चलो दरादन उठो बढ़ो अब हिंदी में प्रहार करें। अब हम लोग को आपस में सबको जागना चाहिए, जाग जाना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हिंदी वाले को अब हम सबसे पहले नौकरी देंगे, देखिए सब लोग हिंदी बोलना शुरू करेंगे, अंग्रेजी वाला को नौकरी से निकाल दीजिए, अंग्रेजी में बात करते हैं इसका मतलब हिंदी नहीं लिख पाते हैं, नहीं तो पहले हिंदी में लिखें फिर उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके दें कराएं। सबसे पहले प्राथमिकता अगर केंद्र सरकार से लेके केंद्र सरकार में ही अगर कर दे तो हमें लगता है अपने आप हिंदी एक महीना में आ जाएगा। इसी के साथ आप लोग धन्यवाद करते हैं, फिर इस पर अगला विचार आप लोगों के सामने कहा जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Oh, oh, oh.